Hey guys, welcome back to another video. आज हमारे पास है फिर से Mahindra Scorpio N और आज हम इसका POV वीडियो बनाएंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाएंगे वाला स्कीम था. ये गाड़ी आज बड़े दिन बाद हाथ लगी है तो मैं और भाई निकल गए हैं घूमने. तो मैंने कहा चलो सिर पे मुंडी में कैमरा भी लगा ही लेते हैं. तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी के ऊपर बातचीत वाली एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हो जिसमें मैंने गाड़ी के ऊपर बात करी है. आज हम सिर्फ घूम रहे हैं, ड्राइव पर निकले हैं, ड्राइव एंजॉय करते हैं, साथ साथ वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं. आई होप आप लोगों को अच्छी लगे. अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बार आए हो तो, वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना. चलो अब चलते हैं. अभी ना मैं दो खड़ी ब्रेके मार दी हैं. ये देखो मंद बुद्धि बेवकूफ, ग्रीन लाइट हमारी है. मंद बुद्धि भी तो बोल रहा फिर तू सर. तो भाई गाली देना हो ना सही तो बोल रहा हूँ. क्या बोला मैंने? तो मंद बुद्धि से तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? यार ये तो वही बात हो गई, कोई मंद बुद्धि वाली किसी ने हरकत कर दी है तो मैं उससे एक्सपेक्टेशन या वो फलाना वाली है. मैं तो गाली दूंगा ना अपनी तरफ से, अपना गुस्सा तो निकालूंगा ना. तो मैं ये बता रहा था कि मेरे से ज़्यादा देर चुप नहीं रह जाता. तो मैं मेरे से अभी दो बार खड़ी ब्रेकें लग गए हैं. मैं इतने दिनों से अपनी दोनों अलग गाड़ियाँ चला रहा हूँ ना, उनकी ब्रेकिंग डिफरेंट है. अब मेरे पैर को मसल मेमोरी उनकी तो है. अभी काफ़ी दिन बाद इसमें बैठा हूँ तो मेरे से दो खड़ी ब्रेकें लग गई हैं. इसकी ब्रेकिंग इज़ अ लिटिल डिफरेंट. सब गाड़ियों की डिफरेंट होती है. जोन सी आप चला रहे होते हो आप उसमें कम्फर्टेबल होते हो. तो जब भी नई गाड़ी चलाएं पहले 5 मिनट थोड़ा हौली हौली चलाएं, गाड़ी के एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग को समझें. जैसे अब ये तीसरी खड़ी ब्रेक भी मैंने मार ही दी है, एकदम से ही मेरा पंजा दब रहा है. हल्की सी आई थिंक मुझे लगता है बस सीट पीछे करनी चाहिए. या लेट्स सी नाउ. तो ऐसे ही रजत और मैं रात को अभी गेड़ी मारने निकले थे. हमने कहा चलो वीडियो भी बनाते हैं, थोड़ा मस्ती भी करते हैं. कौन सी मस्ती कर रहा है? मैं तो मुजरा नहीं कर रहा. मैं मुझे तो गाड़ी चलाने मेरे लिए मस्ती है. दैट वे. अब तुम भूल गए क्या पिछले हफ्ते भी मैं अकेला ही घूम रहा था गाड़ी में. आई लाइक ड्राइविंग. ड्राइवर क्यों नहीं बन जाता फिर? आई ड्राइव फॉर माई सेल्फ. तो चला अपने लिए, बस मेरे को पीछे बिठा ले. पहले मैं तेरे को उड़ाऊंगा फिर तेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पीछे बिठा लूंगा. बता. नहीं तू पहला पॉइंट मिस कर, बस सेकंड पॉइंट पे फोकस कर. नहीं 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 ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना दोस्त. तो बात ये है कि बड़ी गाड़ी हो ना आपके पास, गड्ढों में से भी निकल ही ली फाइनली. खड्डों में ब्रेक मारने का दिल किया नहीं मेरा. यही मेरे पास एगनेस होती ना मेरी छुटकी, तो मैं थोड़ी प्यार से निकालता क्योंकि छोटे छोटे टायर हैं उसके, छोटी सी गाड़ी है, पूरी हिल जाती. वो तो हिली ये भी पूरी होगी, बस तेरे को पता नहीं चला. हिली फील हो गया मुझे, हिली ये भी है.
बट इसको उतना फर्क नहीं पड़ता ना, हाई ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह एवरीथिंग करेंगे क्या, थोड़ा भगाएंगे क्या। 80 की स्पीड लिमिट है वैसे इस रोड पे, मानता हूँ ना देश में स्पीड लिमिट, जब तक चलान ना कटे। मैं मानता हूँ जब तक चलान ना कटे। अभी चलान कटवाया हमने 80 की स्पीड लिमिट वाली स्पीड जगह पे 93 जब चला रहे थे उत्तराखंड जाते हुए। कब गया? अबे अभी जब गए थे। अच्छा हाँ। कनाताल जब गए हैं उत्तर 80 की स्पीड लिमिट थी, 80 वाले जोन में 93 पे थे। 2000 रुपीस ओनली माय फर्स्ट चालान ऑफिशियली। एक दिन का तेरा डिनर का खर्चा निकल गया बाहर। हाँ या कोई नहीं यार, यूं समझ लेंगे किसी पुलिस वाले को डिनर करा दिया। सरकारी खाते में गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिश्वत तो नहीं दी ना किसी को, कोई चक्कर नहीं है। और मेरा पहला चलाना है पता है ऑफिशियली मेरे किसी भी व्हीकल पे। एक दो वो छोटे मोटे वाले हुए हैं जिसमें 100-200 रुपए वाले 100-200 रुपए दे के रिश्वत दे के बच लिया, बट अभी पिछले 5 साल में ये मेरा पहला चलाना है जब से लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हुए थे और रेट नहीं बढ़ गए थे ये चलान चलून के। आई थिंक 2019 से, सितंबर 1, 2019 के बाद से, यस या अक्टूबर 1, 2019 के बाद से, तब से मैंने मैं बहुत ही वैसे तो केयरफुली ही चलाता हूँ। उस दिन थोड़ा मस्ती में, और वो भाई बंदा पता कैसे बैठा था, सस्ती मस्ती हो गई उस दिन। सस्ती मस्ती पता कैसे हुई है, ये तो जैसे छोटा वाला एक डिवाइडर है ना, वो इतना चौड़ा डिवाइडर था, इस गाड़ी से भी चौड़ा डिवाइडर, ठीक है, हाईवे पे। तो वो बंदा डिवाइडर के बीच में, ये बीच वाला जो डिवाइडर होता है यहाँ पे घास फूस के बीच में बैठा था कैमरा लगा के, कुर्सी लगा के। ऐसा भी नहीं कि कोई जैसे PCR खड़ी होती है उनके अंदर कैमरा, वो बंदा भाई घास के बीच में बैठा हुआ है वहां चला है, वहां कटा है चलान। और मैं तो बता रहा हूँ मेरे को तो वो बंदा दिख गया था कि बैठा है, और मैं समझ गया था मेरा कट गया है चलान, क्योंकि मैंने गाड़ी की स्पीड देखी, मैंने उसे देखा, मैंने कहा ओके, 2 घंटे बाद मैसेज भी आ गया मेरे पास। तो ये है दोस्तों 12 सेक्टर हमारी फरीदाबाद का। इसी सेम जगह पे मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया था लाइसेंस के लिए। तो हम यहाँ पे रैंडमली घूमने आए हैं, सामने टाउन पार्क है, जस्ट सामने उसकी अलग अलग एंट्री है, तो यहीं पे पास में 12 सेक्टर का कोर्ट भी है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। पर ये दिन में तो जगह पूरी भरी भी होती है, शाम को यहाँ पे गेड़ी मारने में मजा आता है, साइकिलिंग करने भी आ सकते हो। यहाँ साइकिलिंग वॉक करने लोग दारू पीने भी आते हैं आफ्टर 5 PM मल्टीपल यूजेस हैं इस जगह के। डॉगू एक बात तो है महिंद्रा की आवाज उतनी नहीं आती अंदर, जैसे हम अभी की क्रिस्टा चलाते हैं इनोवा, वो तो अंदर इतना शोर आता है उसका, उसका पता चलता है भाई जनरेटर चल रहा है। हाँ इन्होंने इनफैक्ट इसका, मैं अभी जब तेरे घर आ रहा था ना, हाँ। तो मैंने न्यूट्रल करके बाहर खड़ा हुआ मैं 1 मिनट के लिए, हाँ। बाहर भी इसके एक नॉर्मल पेट्रोल साउंड जैसे आती है ना, पेट्रोल इंजन की साउंड बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट सी, हाँ। वैसी आवाज थी। नहीं इन्होंने काम तो अच्छा किया, गाड़ी तो सही बनाई है इन्होंने, यही सेम इंजन XUV में भी है, यही सेम इंजन थार छोटी वाली में भी है, थार 5 रॉक्स में भी आ रहा है। अब इन्होंने इंजन को काफी बढ़िया काम किया है, इन्होंने अच्छे से इसकी रिफाइनमेंट वगैरह करी है। माइलेज थोड़ी कम दे रही है आजकल, 9.4 जाम में ही खड़ी रहती है आधे टाइम, एक तो त्योहार के टाइम पे जाम इतना लगता है हर जगह, कोई गाड़ी नहीं दे रही भाई माइलेज मेरी। इग्नेस ना हाईवे पे हमने उससे 22-23 निकाली है ना,
और आजकल 14 नहीं दे रही मैनुअल में, तो हाईवे पे तो इसने भी 15 की तो मेरे आते हुए निकाली हमारी हाईवे पे, और पहाड़ों पे इसने 11 की निकाली है, 11.5 वही अप्रोक्सीमेट पे बात करो ना, राउंड ऑफ। हाँ तो वही मेरी इग्नेस भी नहीं दे रही, इवन मैंने अभी हाइब्रिड लिया है वो हाई राइडर, वो उसके बेचारे के तोते उड़े पड़े हैं, और 18 की दे रही है जबकि 22 तो देनी चाहिए उसको। भाई 15-15, 20-20 मिनट के जाम लग रहे हैं। 15-15 मैं जिस रास्ते पे 1 घंटे 45 मिनट में रेगुलरली आ जा रहा था ना, ये दिवाली के चक्कर में मुझे 3.5 घंटे लगे, मतलब डबल हो गया पूरा पूरा टाइम। मल्टीपल 15 मिनट के जाम में। हाँ एक दो नहीं मल्टीपल ही थे, कसम से फट गई मेरी तो। ये तो शुक्र है मैं उन दिनों इग्निस नहीं लेके गया मैनुअल, वो हाई राइडर ले गया मैं, तो एक तो मैं तेल से भी बचा और दूसरा क्लच मारने से भी बचा। ऑटोमेटिक में बस वो जाम वाले एरिया में फ़ायदा लगता है मुझे पर्सनली। ऑटोमेटिक के फ़ायदे हैं, तुम चलाओगे रोज़ तो तुम्हारे को पर्सनली अच्छी लगने लग जाएगी। मैं भी बहुत ज़्यादा ना मैनुअल की कसमें खाता था यार वो, मैंने पता है क्या बोला था, मैनुअल की इतनी कसमें खाई थी, मैनुअल से अच्छा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक तो ये है वो है वो मीम नहीं चलती कि ऑटोमेटिक तो वो क्या है वो मेन ड्राइव ऑटोमेटिक और वो फिर फलाना, जब जो ये उल्टी सीधी मीमें चलती हैं साला, कि ले लो एक बार ऑटोमेटिक और फिर चलाना मैनुअल, खुद ही बोलोगे हम नहीं चला रहे। था इसमें मेरा पीओवी पर्सनली ये था कि भाई जब तक तुम गियर ना बदलो, अभी मैं जैसे इसमें भी बैठता हूँ ना ऑटोमेटिक में, मेरा एक बार बीच में हाथ आता है गियर पे यार गियर बदलनी है। भाई तू कितना चलाता है, मैनुअल चला चला के इतने वो चुके हैं ना कि अब हमें ऑटोमेटिक में भी वो लगता है। ठीक है तेरी पास सही है कि आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल की जब मैं इसको चला लूंगा थोड़े टाइम तक, तेरी पास 3 दिन के लिए मैं ये गाड़ी दे देता हूँ ठीक है, सिर्फ 3 दिन, यू हैव टू ड्राइव इट डे इन डे आउट, मतलब तू मान ले तू दिल्ली फरीदाबाद में अपने काम से ऑफिस के कहीं भी कुछ भी व्हाटएवर काम से जा रहा है, सिर्फ यही गाड़ी ऑटोमेटिक लेके जा रहा है ठीक है, 3 दिन रेगुलरली तूने दिल्ली एनसीआर में 100-100 किलोमीटर ईच डे ड्यू टू योर वर्क 50 किलोमीटर जाना 50 आना, तूने ये गाड़ी चलाई ऑटोमेटिक वाली दिल्ली एनसीआर के जाम जूम में, उसके बाद मुझे एक बार मैनुअल चला के दिखा दी और बोलेगा नहीं कोसेगा नहीं कि मैनुअल क्यों चला रहा हूँ। यार तू चलाता है वन से ना वाइल ऑटोमेटिक, तू चलाता है 99.99% मैनुअल, तो तुझे वो तेरे को वो फीलिंग आ रही है कि मैं गियर नहीं चेंज किया, जब तू 99.99% इसे चलाएगा ना तेरे को उसके बाद वो हो जाएगा कि मैनुअल क्यों चला रहा हूँ। अब मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं हाई राइडर चलाता हूँ 2-3 दिन 4 दिन हाई राइडर रेगुलर चला ली ऑटोमेटिक है वो, उसके बाद मैनुअल वाली पे चलाता हूँ ना इग्निस, मेरा गियर चेंज करने का मन नहीं करता, दूसरे गियर में चलाता रहता हूँ मैं, इतना आलस आ जाता है मुझे गियर चेंज करने में, कौन क्लच दबाए, आदत बन जाती है। अभी तो मेरे पास मेरे को कितने मेरे को 2 महीने हुए हैं ऑटोमेटिक गाड़ी लिए हुए, मैं 1600 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, लेकिन स्टिल मुझे आदत पड़ गई है। तो वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट ना, जब जिस दिन तेरे पास ऑटोमेटिक फुल टाइम आ गई तो उसके बाद कहेगा खुद ही, और जितने भी ये आधे से ज़्यादा देख एंथुजियास्ट लोगों के लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो लोग स्टिक शिफ्ट मैनुअल वगैरह अलग ही है, अगर मुझे भी कोई वैसे चाहिए ना एंथुजियास्टिक गाड़ी, एक सिर्फ हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन निकालनी है एंथुजियास्ट की तरह चलाने के लिए मस्ती मारने के लिए, तो मैं मैनुअल ले लूँ, और मैनुअल में शायद हाईवे के लिए भी रख लूँ अपने पास, मतलब मेरे पास है ही, मैं हाईवे पे भी मैनुअल चला लूँ, बट दिल्ली एनसीआर स्ट्रिक्ट नो नो, मतलब मुझे अगर दिल्ली चंडीगढ़ जाना है और बीच में दिल्ली नहीं आता है मैं मैनुअल चला सकता हूँ, पर दिल्ली बीच में आता है दिल्ली जाना है तो भाई यार इतना जाम है कब तक क्लच ब्रेक खेलोगे ना। सही बात है, और क्लच दबाना सबसे बड़ा वो होता है कठिन काम मेरे लिए, तो ब्रेक एक्सेलरेशन इज इजी मेरे लिए, तो दिल्ली जाना इज मेट्रो वो ना हो पाए भाई, भाई जो बात है कि मेट्रो से मैं तो नहीं जा सकता, ना तेल जले ना खून जले, मेट्रो से मेरा दिमाग जलता है, टैक्स पे ही पे कर ही रहे हैं तो थोड़ा इस्तेमाल भी कर ले, मैं कह रहा हूँ ना मेट्रो से मेरा दिमाग जलता है। ठीक है बंदे से बंदे की बात है वो तो, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टाइम लग जाता है फिर मुझसे तो नहीं हो पाता मेट्रो से, बल्कि मेरे को अब कम लगता है यार, मुझे वहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैंने एक टाइम पे एक जगह थोड़ी जाना होता है, हाँ, वो तेरे लिए मैं बार बार रैपिडो करूँ या फिर उबर ओला करूँ, बचिया
तो हाँ वो बात सही है कि मतलब पॉइंट टू पॉइंट जाना हो तो मेट्रो इज बेस्ट। पॉइंट टू पॉइंट जब भी मेरे को गफार जाना होता है ना, मैं मेट्रो से जाता हूँ आज भी। मतलब मुझे मेट्रो नहीं पसंद है, मेट्रो बढ़िया है। मुझे गफार जाना है, करोल बाग जाना है, क्योंकि वो वहीं पे जाना है और मुझे मार्केट में ही घूमना है, क्योंकि अदरवाइज तो गाड़ी जाओ पार्किंग में लगाओ, पार्किंग ढूंढो, उसी में कलेश हो जाता है। इससे अच्छा तो सीधा करोल बाग जाओ मेट्रो से, और वहीं वहीं पे अगर घूमना है तो ठीक है। अब क्या है, करोल बाग भी जाना है, करोल बाग से आपको फलानी जगह भी जाना है, फिर तीसरी जगह भी जाना है। और मेरा मोस्टली ऐसा ही होता है कि मुझे दो तीन जगह जाना होता है। पार्किंग के कलेश पे नहीं जाते, पार्किंग के कलेश तो अब गलियों में भी होने लगे भाई। मेरे को समझ नहीं आता लोग इतने इंसेंसिटिव कैसे हो गए। क्या तेरे घर के पास भी होने लग गए क्या? नहीं मेरे घर के आसपास नहीं, मतलब तेरी पॉकेट में होगी। एक दो बार दिल्ली में भी मेरी पॉकेट में, तो पुलिस बुलानी पड़ गई थी। पार्किंग तो सबसे बड़ा कलेश है मेट्रो सिटीज में भाई, वो भी तब जब तुम्हें दिख रहा है कि बंदा गाड़ी में बैठा कि कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक है, तब भी लोगों को पेशेंस नहीं है कि पता है ना। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में मोस्टली जो वो क्या है, लड़ाइयां और जैसे रोड रेज भी तो गाड़ियों के चक्कर में ही होती है कि है तूने मेरी गाड़ी कैसे टच कर दी, और वैसे ही गलियों में है तो उन्हें मेरी जगह पर कैसे पार्क कर दी। तो मुझे लगता है गाड़ियाँ और ये इनकी पार्किंग, इन्हीं चीज़ों के चर से आधे से ज़्यादा तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलेश हो रहे हैं। अभी परसों की बात है, मैं 15 गया दिवाली। एक सेकंड दोबारा बोल। अभी 15 परसों की बात है, मैं 15 सेक्टर गया दिवाली के टाइम पे, मतलब वही पहले मेला जो लगता है 15 में। तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। अब मैंने एक बंदे की गाड़ी के ठीक सामने लगा दी गाड़ी, मैं बकायदा अपना नंबर लिख के डैशबोर्ड पे चिपका के गया बड़ा बड़ा। तो वो बंदा आ गया कुदरती 5 मिनट बाद ही। तो उसने मेरे को फोन किया कि भैया आपकी गाड़ी खड़ी है, हटा लो। मैं हटाने गया, कहता मैं 1% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इतना सिविलाइज्ड होगा कोई नंबर लिख के जाएगा। अच्छा, मैंने कहा सॉरी सर पर हम पढ़े लिखे हैं। हाँ ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज कोई बंदा कोई भी कर सकता है कि यार अपना नंबर छोड़ जाओ, अगर तुम आड़ी टेढ़ी लगा गए हो इमरजेंसी में या व्हाटएवर, या आपको 2 मिनट का ही काम था, पर एटलीस्ट नंबर छोड़ जाओ, दूसरा बंदा ढूंढता तो ना रहे। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी एक दो बार नंबर छोड़ा है तो काम आया ही। मैंने लिखा भी टिश्यू पेपर पे, क्यों पेन तो गाड़ी में रहते ही रहते, पेपर नहीं होता था। मैंने एक पेपर पे नंबर लिख के वो आर्मरेस्ट में रखा हुआ है। यूजुअली क्या विजिटिंग कार्ड रखता हूँ गाड़ी में, पर वो गाड़ी अभी सर्विस हो गई पापा ने। विजिटिंग कार्ड पे कौन तेरा छोटा सा नंबर देखेगा, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को समझना। हाँ वो बात तेरी। एक कागज पे नंबर अपना लिख के उसको डैशबोर्ड अपने आर्मरेस्ट में रख ले, जब कभी जरूरत हो निकाला रख दिया, नहीं तो वापस अंदर रख दिया, खत्म बात, सॉर्टेड। तो हमारी वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, ऑल द सियानी पीपल, गुड पीपल, प्लीज़ कीप योर नंबर आगे डैशबोर्ड पे कहीं पे, या फिर कई गाड़ियों में तो यहाँ पे ना एक वो टिकट वाला वो आता है, वहाँ पे लगा दो अपना, जब आप लोग कभी ऐसी रैंडम अजीब सी जगह पे पार्क करो, और करनी पड़ जाए, मतलब कोई जानबूझ के ऐसे तो नहीं करता किसी को तंग करने के लिए, बट कई बार जल्दी होती है, 2-4 मिनट का काम होता है, तो उस टाइम लगा दिया करो यार। आधे कलेश तो इसी से ही सॉल्व हो जाते हैं, इन्हीं छोटी चीजों से। सही बात है। तो चलो दोस्तों, हम अपने घर के आसपास आ गए हैं। अब घर का रास्ता तो मैं आपको अभी फुल टाइम दिखाऊंगा नहीं कि मेरे घर तक आ जाओ, जस्ट किडिंग्स। तो वैसे भी ये वीडियो समाप्त करने का टाइम हो चुका है, हम चलते हैं अपने अपने घर को, मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो और मेरा 2 मिनट का मौन व्रत, जो जिससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाया, साइलेंट पीओवी बनाने चला था मैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ गाइस, बेल्ट वेल्ट लगा के चलो, बाइक पे चल रहे हो तो हेलमेट लगा के चलो। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।